और हरियाणा में चौधरी बंसीलाल से बड़ा कोई कांग्रेसी है तो बताओ। मैडम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मोदी राजनी सांसद श्रुति चौधरी बताना चाहूँगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 19 जिले की मुख्यालयों से भी अति पिछड़े और हमारे यहाँ चौधरी आए थे हरियाणा के अंदर पिछड़े सरसा और महेंद्रगढ़ जिसमें बहनजी ने पार्लियामेंट का लिखा था सरसा के अंदर चौधरी जयराम यूनिवर्सिटी कार्यरत है और महेंद्रगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी बने। आज जो होते हैं हल्का का यूनिवर्सिटी नीला नीला लेकिन सबसे अर्थ यूनिवर्सिटी के बकालत अगर किसी की तो भाई चौधरी चौधरी थारो में बनाया था एक बार उनने बनाए दिया अन्न दो पर दे दियो इनके थारो फेर तो इनके बाप जी मुंह के अंदर बिठा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चिंता ना करियो। ये आज का प्रोग्राम था कैसे क्या आप जानते हैं कि पार्लियामेंट का चुनाव सिर पर है और इस इलाके से श्रुति चौधरी जीती हुई सांसद रही हैं 5 साल और उन्होंने बहुत काम किया था। उसके बाद 2 बारी लगातार जो है बीजेपी के सांसद यहां से बनाकर भेजे और लोग अपने आप ही बयान कर रहे हैं कि जो हालात आज हुए हैं बेरोजगारी का आलम है। किसान जो है जिसको 2022 में दुगनी करने की बात कही थी जिसकी आमदनी आज वो धरती पुत्र को बिल्कुल जमीन पर लगा दिया है। इसी तरह से जो है महिलाओं को जो है कहा था उसमें से धुएं में से निकाल देंगे वो जो है उनका सिलेंडर सारा जो है 1150 का सिलेंडर रखा अब चुनाव के कारण 200 कम कर दिया। अब चुनाव में तो ये सारा कम करेंगे मीठी गोली और चुसाएंगे। मुख्यमंत्री ने अभी एक बयान दिया था एक महिला ने रोजगार की बात कही थी चंद्रयान जो भेज देंगे ये चीज दर्शाती है कि किसी भी राजनेता की जब अहंकार आ जाता है तो अहंकार जो होता है वो नष्टकारी होता है। अभी अहंकार जो है अपनी वाणी में कभी भी नहीं। पूरे क्षेत्र में आप घूम रहे हैं किस प्रकार की समस्याएं लोग आपको बता रहे हैं क्योंकि 9 साल से आप सत्ता से दूर हैं। समस्या ही समस्या है। बेरोजगारी की समस्या है पानी की समस्या है किसानों की MSP की समस्या है उनको नहीं मिल रहा उनके जो है कॉम्पनसेशन जो मुआवजा है वो नहीं मिल रहा। हमारे जो है ये यहाँ पे बिजली के बिल ज्यादा आने लग गए हैं इतनी महंगाई इतनी जबरदस्त बढ़ गई है। आपकी सत्ता आने पर आप पहला काम कौन सा करेंगे? हमने तो काम करके दिखाया भाई झूठी बात हम बोलते नहीं लारे लपे हम देते नहीं और जो जबान से निकालते हैं तो वो उल्टा भी लटकना पड़े वो करके देते हैं। और ये सारी जनता नहीं ये सारा हरियाणा जानता है। आप पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं श्रुति जी की क्या स्थिति है लोगों की प्रतिक्रिया? श्रुति की स्थिति क्या है मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा लोगों के अंदर रुझान है बाकी हमारी जनता सिर माथे पर जो जनता ने सोचा है वो आगे होगा जनता जनार्दन सर सर सिर माथे पे। बढ़िया मैडम।